और यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्ते हैं इस तरीके से, इन पे है जो ये फूल आना शुरू हो रहे हैं और इन फूलों से फिर है जो आपके फल बने। दोस्तों राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, और हम लेकर आए हैं एक और नया व्लॉग। और दोस्तों आज का ये व्लॉग होने वाला है अनार की खेती के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि इथरेल कब किया जाता है और इथरेल के बाद आपके अनार के पौधों की क्या स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो अपना प्यार, सपोर्ट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो अनार के बड़े वाले पौधे हैं, इन पर है जो हमने पहले इथरेल कर रखा है, और अब है जो छोटे वाले पौधे हैं उन पर अभी फ़िलहाल इथरेल किया है, जो कि हम लोग अब है जो छोटे वाले पौधों में जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा इथरेल की टाइमिंग का, तो हमने पहले है जो वीडियो डाली थी जिसमें कटिंग वगैरह के बारे में आपको है जो बताया था कि किस तरीके से और कब कटिंग वगैरह है जो की जाती है, और उसके बाद है जो टाइम आता है इथरेल का। इथरेल की बात करें तो वो है जो दोस्तों जून का महीना जो एंडिंग है उसमें कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लोग है जो दोस्तों जुलाई पूरा इथरेल में यूज कर सकते हैं, और शुरुआती अगस्त में इथरेल करें तो भी आपका है जो लेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो जो पौधे हैं इन पे है जो इथरेल कर रखा है, और इन पे कुछ अभी है जो पत्ते बचे हुए हैं, ये पत्ते भी है जो धीरे धीरे से गिर जाएंगे। तो बैक वाला कैमरा करके बताता हूँ क्या स्थिति है और किस तरीके के पौधे हैं जो इथरेल के बाद दिखने वाले हैं। दोस्तों ये अपना बगीचा है जिसमें आप लोग देखेंगे ये पौधे हैं जो पूरे तरीके से देखेंगे कि इन पे जो पत्ते वगैरह, ये देखिए जो बचे खाचे पत्ते हैं वो भी है जो दोस्तों ये गिरने वाले। तो इन पे है जो इथरेल किया था हमने 2-3 दिन पहले, तो ये पत्ते पूरी तरीके से यहाँ पे अभी है जो गिरे नहीं हैं, धीरे धीरे गिर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरे पीले से हो चुके हैं, और अब है जो ये धीरे धीरे पौधे हैं जो नए कॉम्पल के साथ है जो शुरू हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी इनकी शुरुआत नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पूरे खेत में पौधे हैं जो इस तरीके से सूखे, किस तरीके से पौधे होते हैं उस तरीके से आपको नज़र आएंगे, जो कि इथरेल करने के बाद इनकी यह स्थिति हुई। पत्ते गिर जाते हैं पौधों के, और इसमें है जो फिर ये नए पौधे हैं जो ये नए पत्ते शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ये इस पर इथरेल का इफ़ेक्ट कम हुआ था तो ये है जो नए कॉम्पल के साथ है जो शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग है जो देखेंगे इथरेल की जो शुरुआती महीने होते हैं उसमें कर सकते हैं, और मौसम ख़राब हो तो इधर उधर है जो महीने भर के बीच में करें तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इथरेल के बाद है जो आपके जो पौधे हैं वो इस तरीके से तैयार हो जाएंगे, जैसा कि हरे वाले बड़े वाले पौधे हम दिखाएंगे, ये नए तरीके से कॉम्पल वगैरह आ जाते हैं। ये देखिए इथरेल के बाद है जो शुरू हो गए हैं कॉम्पल वगैरह निकालना, यहाँ देखिए आप ये कॉम्पल वगैरह है जो यहाँ आना शुरू हो चुका है ये इथरेल करने के बाद। और यहाँ पे अब है जो यहाँ पे एक चौकड़ी फूटती है जिस पे है जो आपके फल वगैरह फूल वगैरह बैठते हैं, जैसे कि ये बड़े वाले पौधे हैं जिन पे है जो फूल बैठना शुरू हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्ते हैं इस तरीके से, इन पे है जो ये फूल आना शुरू हो रहे हैं और इन फूलों से फिर है जो आपके फल बनने वाले हैं। तो इस तरीके से इथरेल के बारे में आपको थोड़ी सी छोटी सी इस ब्लॉग द्वारा जानकारी थी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इन पे है जो, देखिए इन पे इथरेल हो रखा है, तो इस तरीके से नए कॉम्पल आना शुरू हो चुके हैं, और इन पे है जो अब फूल वगैरह जो भी बैठना है वो है जो इन पे शुरू हो जाएगा, जैसे कि इन पे पहले एक लाइन पे पहले इथरेल हो रखा था जिस पे है जो अभी छोटे वाले पौधे इन पे है जो कॉम्पल वगैरह आना शुरू हो चुके हैं, और ये इधर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पूरा पौधा है जो तैयार हो रहा है, यानी कि नए पत्ते निकाल रहे हैं, इस पे है जो फूल वगैरह है जो दोस्तों बैठने वाले हैं। और इस तरीके से मेरे पीछे आप अपने खेत में देख सकते हो ये छोटे वाले 600 पौधे हैं, 600 पौधे कैमरे में जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक है जो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 600 पौधे हैं जिनमें है जो इथरेल अभी 2-3 दिन पहले करल करा है, थोड़ा सा लेट है लेकिन बारिश का मौसम था, खराबी होने के कारण इसको लेट किया गया। तो इस तरीके से आप लोग है जो देखेंगे इसके अंदर इथरेल वगैरह के अपने हो चुका है, और अब है जो नए कॉम्पल वगैरह के साथ ये पौधे नए पत्ते निकालने शुरू करेंगे और इन पे है जो फूल वगैरह सेट
बैठने वाले। तो गाइज आपके अनार के पौधे हैं, अनार के बगीचे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।